आज हम चिकन मसाला बनाएंगे। तो इसके सबसे पहले हम इसमें कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1.5 चम्मच ऑयल बड़ा, कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे इसमें, साथ ही साथ इसमें जीरा ऐड करेंगे। मसाले हमारे अच्छे से जल रहे हैं। तब तक मसाले हमारे जल गए, इसमें हम डालेंगे चिकन। हल्दी डाल के हमने रख दिया था। अच्छी तरीके से इसे भुनेंगे। हमने चिकन को अच्छे से वॉश करके साफ कर लिया था, उसके बाद हम इसमें हल्दी मिलाकर 2 मिनट के लिए रख दिए थे। अब इसमें हम खड़े मसाले में चिकन ऐड कर दिए हैं, इसे भुनेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन पेस्ट 1.5 चम्मच और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे चिकन के साथ में। इसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है चिकन में, तो हमारे चिकन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो समझ में नहीं आती है तो हमने दूसरा भी वीडियो बनाया है, वो जाकर देख सकते हैं, उसमें सारा चीज़ बताया है परफेक्ट मेजरमेंट में। इसे 2 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे चिकन के साथ में। तो देख सकते हैं हमारे चिकन 2 मिनट भुन गए हैं, अच्छी तरीके से लाल हो गए हैं। इसमें हम डालेंगे मसाले, कांदा, मिर्ची और टमाटर हमने तेल में हल्का भूनकर और पीस लिया है, मिक्सर जाल में ग्राइंड कर लिया है। सारे मसाले ऐड कर देना है। सारे मसाले को चिकन के साथ मिला देंगे। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। सारे मसाले को डाल देंगे इसमें और अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अगर ये रेसिपी हमारी समझ में ना आती हो तो हमने दूसरा भी वीडियो बनाया है, जाके उसमें देख सकते हैं। इसमें डालेंगे हम नमक, स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं इसमें। तो हमने 1/2 चम्मच डाला है इसमें नमक। और इसे पकने रख देंगे 2 मिनट के लिए ढककर, अच्छे से पका लेंगे। तो देख सकते हैं गैस हमने बंद कर दिया है, ये 4 मिनट पककर हो गया है। इसमें हमने पानी भी नहीं डाला था, आप चाहे तो इसमें पानी डाल के 2 मिनट और पका सकते हैं, पर हमने पानी ऐड नहीं किया इसमें। और ये हो चुका है, गैस भी हमने बंद कर दिया, इसे हम निकाल कर दिखाएंगे। तो देख सकते हैं कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी, चिकन रेसिपी।
और हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आज हमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।